नमस्कार, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण, लिसनिंग अक्रॉस करिकुलम। जब हम पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने आप में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब हम श्रवण की एक कौशल के रूप में बात करते हैं तो इसका उत्तरदायित्व तो केवल भाषा शिक्षक का नहीं वरन प्रत्येक विषय शिक्षक का है कि वह पाठ्यचर्या के किसी भी विषय का शिक्षक हो परंतु श्रवण कौशल के विकास में उसका भी उतना ही योगदान होता है जितना किसी भाषा शिक्षक का। पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण का महत्व तो यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषय की अपनी जो विशिष्ट शब्दावली होती है, उसका जो विशिष्ट उच्चारण होता है, जब तक विद्यार्थी आपके विषय में ठीक से श्रवण नहीं करते, ठीक से सुनते नहीं, तब तक उन्हें विशिष्ट शब्दावली के प्रयोग में कई बार असुविधा होती है। दूसरा, विद्यार्थी की जो भाषा होती है वो दैनिक सामान्य भाषा होती है जो परिवार से आती है, परंतु दैनिक सामान्य भाषा और गणित की भाषा, विज्ञान की भाषा, सामाजिक विज्ञान की भाषा, इनमें अंतर होता है। तो बच्चों को हम कैसे दैनिक सामान्य भाषा से विषय विशिष्ट भाषा की ओर ले जाएं, इसके लिए भी श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है। साथ ही जब बच्चे श्रवण सीखते हैं अर्थात अच्छे से सुनना सीखते हैं तो वे प्रत्येक विषय की जो विशिष्ट भाषा है उसके व्याकरणिक और संप्रत्यात्मक पहलुओं से परिचित होते हैं। इसके साथ ही वे जब कभी किसी सामाजिक अंतःक्रिया में संलग्न होते हैं या किसी कार्य में संलग्न होते हैं तो वहाँ उन्हें अपने विषय का, अपने विषय के ज्ञान का और अपने कौशल का संप्रेषण वो सही रूप से कर सकें, उसके लिए वे सही और उपयुक्त भाषा का चयन कर सकें और उसका प्रयोग कर सकें, यह उनमें तभी विकसित होगा जब वे श्रवण कौशल को विषय अनुरूप विकसित करेंगे। जब हम पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण की बात करते हैं तो पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला लक्ष्य है दूसरों के विचारों को संवेदनापूर्वक और तार्किक रूप से सुनना। चाहे वह विज्ञान का शिक्षक है, चाहे वह सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है, चाहे वह साहित्य का शिक्षक है, कक्षा में जो बोला जा रहा है सबसे पहले विद्यार्थी उसको संवेदनापूर्वक और तार्किक रूप से सुनने के लिए तैयार हों। वे इस प्रकार सुनने के लिए तैयार हों कि उनकी बोधगम्यता अर्थात अंडरस्टैंडिंग बढ़े। साथ ही साथ जब वो सुने तो सुनने के साथ साथ वे जो सुन रहे हैं उसकी व्याख्या कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें, उसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन कर सकें और उनको जो सुनाई दे रहा है या जो वो सुन रहे हैं उसका आकलन भी वो साथ साथ कर सकें। साथ ही हमें उनमें ये कौशल भी विकसित करना है कि वे धैर्यपूर्ण श्रवण करें और धैर्यपूर्ण श्रवण के उपरांत ही वे अपने विचार दें। कई बार हमारे विद्यार्थियों को ऐसे धारा प्रवाह वक्तव्य सुनने पड़ते हैं जिसमें वक्ता लंबे समय तक लगातार बोलता है, तो विद्यार्थी में हमें यह कौशल विकसित करना चाहिए कि जब वे धारा प्रवाह वक्तव्य सुने तो उसको अर्थपूर्ण इकाइयों में तोड़ पाए। साथ ही जब हम पाठ्यचर्या परंत श्रवण के लक्ष्यों पर आगे बढ़ते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक विषय के कुछ निश्चित शब्द समूह होते हैं, उनके निश्चित अर्थ होते हैं। विज्ञान जैसे विषय में कई बार किसी एक शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ साहित्य में या अन्य भाषा में नहीं होता, साहित्य में या अन्य विषय में नहीं होता। तो शब्द समूहों की व्याकरणिक दृष्टि से पहचान, सुनी जा रही सूचना का अपने पूर्वानुभवों से सहसंबंध, यह भी एक महत्वपूर्ण कौशल है कि विद्यार्थी जो सुन रहा है उसका वह विश्लेषण करता चलता है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, तो वे क्या उसका सहसंबंध स्थापित कर पा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण वक्तव्य, कोई लंबा वक्तव्य उनको दिया गया है, कोई लंबा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का भाषण उन्होंने सुना है और क्या उसमें से वो कुछ अर्थपूर्ण सारांश खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते हैं। अच्छे श्रोता की यह भी पहचान है कि वक्ता क्या कहने वाला है वह उसका पूर्वानुमान लगाना प्रारंभ कर दे। तो यदि इस तरह के कौशल हमें अपने विद्यार्थियों में विकसित करने हैं तो फिर हमारे विद्यार्थी चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, उनमें हमें इन कौशलों का विकास करना ही होगा। आइए देखते हैं पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण के आयाम क्या होते हैं।
मुख्यतः इसके दो आयाम हैं। पहला आयाम है प्रवाह, फ्लुएंसी। जैसे वक्तव्य देने या बोलने में फ्लुएंसी या प्रवाह होता है, ऐसे श्रवण में भी प्रवाह का महत्व है। श्रवण के अनुक्रम को ग्रहण करना, अर्थात विद्यार्थी जब कुछ सुन रहे हैं तो सुनने में कौन से मुख्य शब्द आ रहे हैं, उन मुख्य शब्दों का क्रम क्या है, उनकी पहचान करना, और सुनते समय केवल शब्दों को नहीं सुनना, वरन जो वक्ता है उसके जो आभासिक संकेत हैं, चाहे वे दृश्य की भाव भंगिमाएं हैं, उनको पहचानें। साथ ही किसी शब्द का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए शब्द को सुनने के साथ साथ वक्ता के शारीरिक हाव भाव को ध्यान में रखना, जिससे कि सही अर्थ निकाल पाएं, और प्रत्येक शब्द के साथ साथ शब्द के अर्थ को ग्रहण करना। ये जो कौशल है, ये लिसनिंग की फ्लुएंसी या श्रवण का प्रवाह है। दूसरा पाठचर्या पर्यंत श्रवण का आयाम सटीकता है, अर्थात एक्यूरेसी, कि विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, जिस वक्तव्य को सुन रहे हैं, उस वक्तव्य के माध्यम से जो संदेश दिए जाने का प्रयास है, क्या वे उस संदेश को पहचान पा रहे हैं या नहीं। यदि वे उस संदेश को नहीं पहचान पा रहे तो अर्थ उनके श्रवण में सटीकता का अभाव है। कई बार श्रोता को वक्ता के शब्दों की सीमा को समझना होता है कि वह कम शब्दों में अधिक बात क्या कहना चाहता है, तो उसके कहने से पहले और कहने के बाद उसके कहे गए कथन का भावार्थ समझना, यह भी एक श्रवण कौशल की एक्यूरेसी या सटीकता का लक्षण है, जो हमें अपने विद्यार्थियों में विकसित करना होता है। जब हम विद्यार्थियों में श्रवण कौशल को विभिन्न विषयों के माध्यम से विकसित कर रहे होते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि श्रवण के विविध प्रकार कौन से हैं। पहला श्रवण निष्क्रिय श्रवण कहलाता है। निष्क्रिय श्रवण से हमारा तात्पर्य ऐसे श्रवण से है जब हमारा ध्यान एक जगह से अधिक जगह बटा हो। जैसे कई बार विद्यार्थी गृह कार्य भी करते हैं और साथ साथ टेलीविजन भी देखते हैं। कई बार कक्षा में आप समूह चर्चा रखवाते हैं तो एक समूह में चर्चा हो रही है, लेकिन किसी विद्यार्थी का ध्यान दूसरे समूह में क्या चर्चा हो रही है उस पर अधिक रहता है। इस कारण उसके समूह में जो चर्चा हो रही है वो उसको नहीं सुन पाता। तो एक अध्यापक होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है कि जब कभी ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, विद्यार्थी का ध्यान भटकता ही है, हमें ये ध्यान रखना है और हमें अपने विद्यार्थियों को सजग करते रहना है कि वे निष्क्रिय श्रोता ना बने। जो महत्वपूर्ण श्रवण है वो सचेतन श्रवण। जब हम सचेतन श्रवण की बात करते हैं तो सचेतन श्रवण का अर्थ है किसी भी सूचना को परिशुद्धता के साथ सुनना, पूरी एक्यूरेसी के साथ सुनना, खासतौर पर ऐसा कथन जिसमें कोई दिशा निर्देश दिया जा रहा हो, कोई दिशा दी जा रही हो, कोई घोषणा की जा रही हो, किसी विषय की प्रस्तावना की जा रही हो, और यदि ऐसी स्थिति में हम दिए जाने वाले विषय को, प्रस्तुत किए जाने वाले विषय को, निर्देश को या घोषणा को ना सुने, तो इससे हमारे को उस विषय को समझने में त्रुटि हो सकती है, हमारे विद्यार्थियों को उस विषय को समझने में त्रुटि हो सकती है, जिससे समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि सचेतन श्रवण में श्रोता को न केवल वक्ता की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, वरन जहां कहीं भी आवश्यक हो वह वक्ता से प्रश्न करे, उसे रोके, उसे दोहराने को कहे, जिससे कि उसकी अपनी समझ बेहतर हो। तो हमें अपने विद्यार्थियों में ये कौशल विकसित करना है, फिर चाहे हम विज्ञान के शिक्षक हैं, गणित के शिक्षक हैं या भाषा के शिक्षक। सचेतन श्रवण विकसित करने के लिए एक अध्यापक के रूप में हम जिस भी विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय में कुछ ऐसे क्रियाकलाप विकसित करें जहां हम विद्यार्थी को एक ही बार में किसी प्रक्रिया के बारे में या कोई निर्देश दें और उसके बाद उसे कोई गतिविधि करने को कहें, जिससे यदि वह सचेतन श्रवण करेगा तो वह उस प्रक्रिया या उस गतिविधि को पूर्ण कर पाएगा। यदि वह सचेतन श्रवण नहीं करेगा तो उसे उस प्रक्रिया को समझने में कठिनाई होगी और हम उसको आगे सुधार सकते हैं। प्रतिक्रियात्मक श्रवण, यह श्रवण भी बहुत आवश्यक है विज्ञान में, साहित्य में, सामाजिक विज्ञान में। एक प्रकार का यह व्युत्क्रमिक श्रवण है। इसमें संप्रेषण को जारी रखने के लिए श्रोता से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। कई बार आप कक्षा में जब पढ़ाने जाते हैं और आप अपने विषय को पढ़ाते हैं और यदि आपके विद्यार्थी आपसे प्रश्न ना करें, आपको कोई मौखिक
आपको कोई भी इस प्रकार का संकेत ना दें, कोई मौखिक संकेत ना दें, अपने शारीरिक हाव भाव से कोई संकेत ना दें, तो आपका संप्रेषण जारी नहीं रख सकता, तो आपका संप्रेषण जारी नहीं रह पाता। इसका मतलब कि हमारे विद्यार्थियों से हमें यह भी अपेक्षा है कि वे प्रतिक्रियात्मक श्रवण करें, अर्थात वे जो सुने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। कभी कभी ये सचेतन श्रवण जैसा हमें प्रतीत हो सकता है, परंतु ये ध्यान रखिए कि यदि हमें प्रतिक्रियात्मक श्रवण विकसित करना है तो इसके लिए हम में एक अलग प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी होंगी जहां विद्यार्थी हमारी वार्तालाप के भागीदार हों, वे हमारे साथ वार्तालाप करें और हमारे साथ चर्चा करें, क्योंकि वार्तालाप चर्चा में ही वे हमसे प्रश्न और प्रतिप्रश्न कर सकते हैं, और उनके प्रश्न और प्रतिप्रश्न ये निर्धारित करेंगे कि वे कितने ध्यान से हमारी बात को सुन रहे हैं। हमें उनको ऐसे क्रियाकलाप देने चाहिए जैसे उन्हें कोई कहानी सुननी हो, कोई पाठ पढ़कर उस पर चर्चा करनी हो, या हम कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी कर सकते हैं जिसमें उनको आपसी वार्तालाप करना हो। एक और श्रवण का प्रकार है विशिष्ट सूचना हेतु श्रवण। इस प्रकार के श्रवण को हम तब अनुभव करते हैं जब किसी श्रवण परिवेश में किसी विशिष्ट सूचना को ढूंढा जा रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बजट का जब भाषण होता है और संसद में जब भाषण होता है तो प्रत्येक विषय से जुड़ा व्यक्ति, जैसे यदि शिक्षक है तो वह शिक्षा से जुड़ी घोषणाओं को सुनने में अधिक रुचि रखकर उनको ध्यान से सुनने का प्रयास करता है। कोई विक्रेता है तो वह अपने से जुड़ी सूचनाओं को ध्यान से सुनने का प्रयास करता है। किसी को अपना कर और कर की छूटों में अधिक चिंता होती है तो वह उनको सुनने का प्रयास करता है। अर्थात जब हम विशिष्ट सूचना हेतु श्रवण का कोई कार्यकलाप दें तो हम क्या करें कि कक्षा में यदि कोई संभाषण हो रहा है तो उसमें छुपी किसी सूचना विशेष पर कुछ प्रश्न अपने विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, या कई बार हमें व्याख्यान या भाषण का विषय पहले से पता होता है और हम विद्यार्थियों को यह विषय बता भी देते हैं, तो अच्छा है उनको विषय बताने से पूर्व ही कुछ प्रश्न भी दे दें जिससे विद्यार्थी जब उसको सुने तो सुनते सुनते उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास भी वे करते रहें। अगला श्रवण प्रशंसात्मक श्रवण है। वास्तव में यह श्रवण मनोरंजन की दृष्टि से होने वाला श्रवण है। यह एक आनंददायक श्रवण है। इसका उद्देश्य मनोरंजन, भावात्मक संप्रेषण और भावात्मक अनुक्रिया तीनों ही होते हैं। जैसे हम किसी कवि, गायक, कहानीकार को सुनते हैं, कक्षा में कोई कविता, गीत या कहानी सुनने की व्यवस्था हम कर सकते हैं और बाद में विद्यार्थियों से उस कविता, गीत या कहानी की विषय वस्तु, परिस्थिति, पात्रों की मनस्थिति, उनके संबंध आदि के विषय उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रशंसात्मक श्रवण के उपरांत एक और प्रकार का श्रवण है जिसे हम क्रिएटिव लिसनिंग या सृजनात्मक श्रवण कहते हैं। इस प्रकार का श्रवण तब महत्वपूर्ण होता है जब विद्यार्थी आपके द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर या उन्होंने जो शब्द किसी अन्य से भी सुने हैं उनके आधार पर वे किसी समस्या का कोई नया समाधान सुझाएं या कोई मूल समाधान सुझाएं। यह एक प्रकार से विद्यार्थी जब किसी को सुनता है और उसको सुनते समय कुछ कल्पनाएं करता है, उन कल्पनाओं को वास्तव में अनुभवों के धरातल पर लाने की प्रक्रिया है, तो एक प्रकार से यह कल्पना को अनुभवों से जोड़ती है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने विद्यार्थियों के समक्ष कोई परिस्थिति या कोई कहानी सुनाएं और यदि विद्यार्थी सृजनात्मक श्रवण कर रहे हैं तो वे उस परिस्थिति या उस कहानी को सुनकर या तो उस परिस्थिति का एक नया समाधान सुझा देते हैं, ये कई बार कहानी का ऐसा अंत बताते हैं जो अंत कहानीकार ने न सोचा हो, अर्थात वे कहानी को एक नया अंत भी प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अभ्यास हम सृजनात्मक श्रवण को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद विश्लेषणात्मक श्रवण भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इस प्रकार के श्रवण में श्रोता से अत्यधिक एकाग्रता की अपेक्षा होती है, क्योंकि श्रोता को सतर्क, सुस्पष्ट और ध्यानपूर्वक श्रवण करना होता है जिससे वह किसी भी परिस्थिति, प्रक्रिया, स्थान या वस्तु के विषय में उचित विश्लेषण कर सके और सही निर्णय ले सके। विश्लेषणात्मक श्रवण का उद्देश्य मात्र वक्ता को सुनना ही नहीं होता, वरन उसके साथ साथ उन कारणों, स्थितियों, उत्तरदायित्वों आदि का भी विश्लेषण करना होता है जिनके कारण वक्ता कुछ बोल रहा है, और ऐसे में श्रोता अपने व्यक्तिगत अनुभवों
और विचारों के आधार पर दिए जा रहे वक्तव्य का आकलन करता है। एक और प्रकार का श्रवण निष्कर्ष हेतु श्रवण है। कई बार विद्यार्थियों को सुने जा रहे वक्तव्य के मुख्य आशय, सारांश या उससे कोई निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता पड़ती है। इतिहास के विद्यार्थी, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थी, इनको अक्सर इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम विद्यार्थियों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम उन्हें जो भी बता रहे हैं या विद्यार्थी जो भी सुन रहे हैं उसकी वे एक एक पंक्ति याद रखें। इसकी अपेक्षा करना तो हमें विद्यार्थियों से उचित नहीं होगा। अक्सर उन्हें सुने गए भाषण, उद्बोधन, व्याख्यान, इनको संक्षिप्त रूप में ही स्मरण रखना होता है। इसके बाद आता है विस्तार हेतु श्रवण। कई बार किसी व्याख्यान या लिखित अनुच्छेद की विस्तृत समझ विकसित करने हेतु विद्यार्थी श्रवण करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में, साहित्य में ये बहुत उपयोगी होता है। जैसे किसी विद्वान के भाषण या व्याख्यान को सुनना और उसको विस्तार से समझना, किसी अध्यापक द्वारा किसी प्रयोग की प्रक्रिया को विस्तार से बताया जाना, कोई इतिहासकार जब किसी ऐतिहासिक घटना का वृत्तांत या संस्मरण सुना रहा होता है तो वहां भी विद्यार्थी उस संस्मरण को सुनकर बाद में उसको विस्तार देते हैं। तो आइए, हम सभी विभिन्न विषयों के शिक्षक होने के नाते यह प्रयास करें कि हम अपने अपने विषय में श्रवण हेतु क्रियाकलाप नियोजित करें और अपने शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण श्रवण हेतु प्रेरित करें, तभी हम पाठ्यचर्या पर्यंत श्रवण के उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद।